दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप मनरेगा की मोबाइल ऐप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करके आप किस प्रकार से आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए, उसी से आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मनरेगा मोबाइल ऐप नरेगा पोर्टल से डाउनलोड नहीं हो रही हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करने की लिंक दे रखी है, आप वहां से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, नरेगा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल का कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें दोस्तों वेबसाइट टाइप करनी है, narega.nic.in। दोस्तों, नरेगा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब सिंपली आपको जूम इन करके जाना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक APK फॉर MG नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, न्यू मनरेगा APK नाम से डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास आ गया है, हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी मोबाइल ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप को डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड हो गई है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, मैं मोबाइल ऐप के सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मनरेगा मोबाइल ऐप हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो गई है। अब इसको ओपन पे क्लिक करके ओपन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अलाउ मनरेगा टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स, इसको अलाउ कर देना है। अलाउ मनरेगा टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, इसको अलाउ कर देना है। लोकेशन भी दोस्तों आपको अलाउ कर देना है। अलाउ MG नरेगा टू एक्सेस फोटोज, मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, इसको भी अलाउ कर देना दोस्तों। अब दोस्तों, आपको ऐप की लैंग्वेज हिंदी में रखनी है, इंग्लिश में रखनी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हिंदी में कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ऐप ओपन हो के आ गई है। दोस्तों, इसमें आईडी पासवर्ड की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आईडी पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों, हमको हमारे ग्राम पंचायत की लॉगिन आईडी से इस मोबाइल ऐप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर एक मेक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सिंपली अपना कोड प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, नीचे देखिए यहाँ पर एक कोड दिख रहा है, सिंपली आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि ये अपने बाद में काम में आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल ऐप का रजिस्ट्रेशन अपनी ग्राम पंचायत की लॉगिन आईडी से किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, मनरेगा की मोबाइल ऐप हमने डाउनलोड कर ली है। अब दोस्तों, हम इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हमने हमारी ग्राम पंचायत की नरेगा की आईडी लॉगिन कर ली है। अब सिंपली आपको इसमें जाना है D18 के ऊपर और दोस्तों यहाँ पर डिवाइस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। अब दोस्तों, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से ग्राम पंचायत लेवल, और दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना, और दोस्तों यहाँ से आपको सिम सिलेक्ट करनी है, आपके मोबाइल में सिंगल सिम है या ड्यूल सिम है। दोस्तों, मेरे मोबाइल के अंदर ड्यूल सिम है, तो मैं ड्यूल सिम सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। और यहाँ से आपकी सिम GSM है या CDMA है, आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और CDMA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दोस्तों, मैं GSM सेलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों, यहां पे आपको अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। दोस्तों, अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनल स्टोरेज, रैम जानने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है और वहां से अबाउट फोन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये सब जानकारियाँ उसमें मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा फ़ोन है Android 10 एंड अबाउट, मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है मेक आईडी। दोस्तों, हमने नरेगा की मोबाइल ऐप डाउनलोड की थी, उसमें हमने लॉगिन के नीचे एक ऑप्शन आ रहा था अपना कोड प्राप्त करें, जैसे उस पर क्लिक किया था तो वहाँ पे एक कोड आया था, वो कोड दोस्तों आपको मेक आईडी यहाँ पे लिखा हुआ इसमें डालना है, तो मैं डाल देता हूँ दोस्तों। तो क्लिक करता हूँ बाहर, तो दोस्तों ये दोनों जगह आ जाएगा। अब सिंपली आपको रैम डालनी है अपने मोबाइल में कितनी है और इंटरनल स्टोरेज कितना है यहाँ पर डालना है। और दोस्तों, यहाँ पर सपोर्टेड नेटवर्क, आपका फ़ोन 2G 3G 4G क्या सपोर्ट करता है, अधिकतर फ़ोन 4G के ही आ रहे हैं तो 4G सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। वाईफाई, USB
सपोर्टेड ब्लूटूथ जीपीएस मैप सपोर्ट जो भी आपके फ़ोन में हो आपको अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। तो मेरे फ़ोन में दोस्तों ये सभी सपोर्ट करते हैं तो मैं यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, अलाउ पॉपअप ब्लॉकर टू गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड थ्रू SMS। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप आता है उसको आपको अलाउ कर देना है, उसके द्वारा ही आपके आईडी और पासवर्ड टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपके फ़ोन जो आपका मोबाइल नंबर है उसके पास प्राप्त हो जाएंगे। मैं सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, दिस मोबाइल नंबर और IMEI नंबर ऑलरेडी एक्सिट, इट शुड बी यूनिक। तो दोस्तों मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है और मेरे पास आईडी पासवर्ड भी आ गए हैं इसलिए ये डबल से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मोबाइल नंबर पर नरेगा मोबाइल ऐप के आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। दोस्तों आईडी पासवर्ड हमारे मोबाइल के ऊपर आ गए हैं, अब मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ दोस्तों ऐप। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों ग्राम पंचायत की आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात मेरे मोबाइल पे आईडी और पासवर्ड मैसेज के द्वारा आ गए थे, जिसमें से मैंने आईडी और पासवर्ड इसमें डाल दिया है हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर। अब मैं सिंपली लॉगिन इन करें इसके ऊपर क्लिक करता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा डाटा डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों हमारा डाटा डाउनलोड हो गया, सिंपली मैं आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करता हूं दोस्तों। तो हम आगे आ गए हैं। अब दोस्तों ये सजेशन दे रहा है कि आपको ऐप में किस प्रकार से कार्य करना है, सिंपली आपको अगला पे क्लिक करके इसको एक बार ध्यान से देख के आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। और मिल गया, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों आप डाटा एंट्री पर क्लिक करके अपने मस्टर रोल में मजदूरों की हाजिरी भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको वर्क सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप वर्क सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मस्टर रोल नंबर आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे मजदूरों की हाजिरी भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जहाँ मजदूर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जाके GPS ऑन करके आपको उनका फ़ोटो खींचना पड़ेगा और उसको ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस पूरी मनरेगा मोबाइल ऐप डाउनलोड इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस, और मैंने दोस्तों लॉगिन करके भी आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।